ये भैया सुबह सुबह ब्रेड देने, तो आप घर घर ब्रेड देकर आते हो। सबसे ज़्यादा पिक्चरिस्टिक स्ट्रीट है वाली जोसेफ बार, और ये जिस बिल्डिंग में वही अपने आप में इतनी हिस्टोरिकल है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारा 9वां दिन है दिल्ली टू गोवा ट्रिप का। हमने फाउंटेन हाउस में लिया हुआ है होटल, जो मैंने कल आपको दिखाया भी था, जिसका एक हल्का सा टूर दिया था। तो अभी हम चल के पंजिम में फाउंटेन हाउस एक्सप्लोर करेंगे, जो यहाँ की स्ट्रीट्स हैं एंड जो यहाँ का पंजिम चर्च है जो बड़ा मशहूर है, जो काफ़ी सारी पिक्चरों में भी आपने देखा होगा, उसको भी जाके एक्सप्लोर करेंगे। अभी बजे हैं सुबह के 7 और काफ़ी प्लेजेंट मौसम है पंजिम में। ये स्ट्रीट जिधर हम रुके हैं, हमारा होटल यहाँ पे अंदर, देन जो ये स्ट्रीट है इसे आप देखिए। अब यहाँ पे हमारा रूम लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये हो गया कि हम अर्ली मॉर्निंग अपना उठ के और हम इसको आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो ये फाउंटेन हाउस है, ये पोर्चुगीज़ ने 17वीं सेंचुरी में इसको बनाया था। काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है, 17वीं सेंचुरी मतलब 300 साल से ऊपर हो गए हैं इसको। देखिए मतलब इधर जिस पे भी आप देखोगे आपको वही वाली फील आएगी। ये भैया सुबह सुबह ब्रेड देने, तो आप घर घर ब्रेड देकर आते हो। ये टिपिकल पुराने वाला जो फूफू को हम छोटे जब सुनने को मिलता था। ओके, तो आप क्या मतलब घर घर जाते हो? आपके फिक्स हैं घर? हाँ फिक्स है घर। तो उसमें जाते हो आप ब्रेड देते हो? हाँ, ब्रेड। ओके ओके, थैंक यू भैया। क्या बोला आपने ब्रेड को, क्या बोलते हैं गोवन ब्रेड को? पाव पोली। ओके भैया, थैंक यू। तो ये देखा आपने सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो हमें आते ही देखने को मिली, कि ये जो पों 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 कभी मैंने बचपन में सुना था, रिक्शाओं में लगा होता था दिल्ली में, और आज यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। सर आप आने के बाद आपको एक अलग टाइम में, एक अलग सिचुएशन में आप पहुँच जाएंगे, जो ये फाउंटेन हाउस है। तो ये बॉम्बे कॉफ़ी रूस्टर्स है, ये भी काफ़ी मशहूर है फाउंटेन हाउस में। अभी ओपन नहीं है, 8:30 बजे ओपन होते ना भैया। और जितने घरों को देखेंगे आपको हर घर एक से बढ़कर एक लगेगा। अब जैसे ये वाला है सामने, पूरा पोर्चुगीज स्टाइल में इतना बढ़िया घर बना हुआ है। तो जो ये फाउंटेन हाउस एरिया है, इसके अंदर यहाँ पर एक चर्च भी है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है नॉन मोटराइज व्हीकल जोन, पार्किंग फॉर रेजिडेंट्स ओनली। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो स्कूटी वगैरह तो ठीक है, लेकिन अगर कार से आएंगे तो दिक्कत होगी। ये सुबह सुबह का टाइम है, अभी बजे हैं 7:30, लेकिन अगर आप यहाँ पे दिन में आएंगे, कल हम दोपहर को जब यहाँ पे से गए थे 4 बजे, बुरा हाल था लिटरली। मतलब कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जिस पे कम से हम 8-10 लोग चिपके ना बैठे हों फोटोज़ खींचने के लिए। नंबर लगाना पड़ेगा आपको अगर आप यहाँ पे दिन के टाइम आओगे। ये कैफेटेरिया 31st जनवरी, ये जो यहाँ का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैफेटेरिया है इन पंजिम। एंड देखिए कितनी पतली संकरी ये इसमें है, स्ट्रीट में है। और अभी ये आई थिंक खुला भी नहीं है, ये रहा कैफेटेरिया। और इसका जो बेबिंका है, मैंने सुना है वन ऑफ द बेस्ट है, तो ये बड़ा क्यूट सा कैफ़े है। तो अभी मैंने भैया से पूछा, जो इसके ओनर हैं वो बता रहे हैं अभी 15 मिनट बाद ही ओपन हो जाएगा, तो 7:45 बजे हैं, तो ये 8 बजे ओपन हो जाता है मॉर्निंग में। और मैं ये कहूँगा आपको कि यहाँ पे आके एक बार आप कुछ कुकीज़ एंड बेबिंका एंड पेस्ट्रीज़ कुछ भी कैफेटेरिया का ट्राई करें, बहुत ही अमेजिंग है यहाँ का। तो ये बड़ी खूबसूरत स्ट्रीट है, और इसके पैरेलल उस तरफ भी है। मतलब आप यहाँ पे जब आएंगे आपको दुनिया भर के ऑप्शन मिलेंगे फ़ोटोग्राफी करने के लिए। इंस्टाग्राम के लिए तो ये हेवन है, इंस्टाग्रामर्स के लिए, अगर उनको अपनी फ़ोटोज़ डालनी है। तो ये स्ट्रीट का नज़ारा देखिए, और वो पीछे ब्लू येलो एंड इतने डिफरेंट कलर्स के घर हैं यहाँ पे, अमेजिंग। तो फाउंटेन हाउस की एक और ख़ास बात है जो मैं आपको बताना चाहता था, कि जो ये फाउंटेन हाउस का ये एरिया है, हर साल मानसून के बाद यहाँ पे पेंट करना कंपलसरी है। ये पोर्चुगीज टाइम से ही रूल बना हुआ है, जो नहीं कराता मुझे इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन इतना पता है कि रूल पोर्चुगीज टाइम से है और जब से ही चला आ रहा है। और ये है जोसेफ बार, और ये जिस बिल्डिंग में वही अपने आप में इतनी हिस्टोरिकल है। और ये भी खुला नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, अंदर से भी बहुत ही अमेजिंग है ये। ये जो जोसेफ बार है, थोड़ा सा आगे आते ही जैसे आप राइट लेंगे तो ये वाली स्ट्रीट आएगी, और मेरे को अब तक की सबसे बेस्ट लगी है स्ट्रीट
सबसे पिक्चरिस्टिक लगी है इसके कलर। सॉरी, देखिए सब ये फ्रेश कलर पेंट हुआ है, और मैं बता रहा हूँ जितना आप इसमें देख पा रहे हैं वो तो मात्र 10% है, नहीं तो बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं इमैकुलेट कॉन्सेप्शन चर्च है, जो जिसको पंजिम चर्च भी बोलते हैं। तो अगर ये जो एरिया है पंजिम का, अगर आप इधर रुकोगे, हम भी जैसे इधर ही रुके हैं ये फाउंटेनाज एरिया में, तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको एक जगह अपनी कार पार्क करके कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, कार में पैदल पैदल वॉक करके आप सारा जो उसका मेन एरिया है वो कवर कर सकते हो। फाउंटेनाज से मेन पंजिम चर्च के आसपास जो एरिया है सारा, यही मेन है। अभी हम इमैकुलेट कॉन्सेप्शन चर्च की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पर ये कुछ है इरिजिनस क्लस्टर ऑफ लेंस ऑफ अल्टिनो, स्टेप वाइज बनाया हुआ यहाँ पे ऊपर तक जाने के लिए, काफ़ी खूबसूरत है। हम पहुँच गए हैं गोवा के वन ऑफ द मोस्ट फेमस चर्च में से एक, इमैकुलेट कॉन्सेप्शन, और ये वो स्टेप्स हैं जो आपने ज़रूर किसी ना किसी पिक्चर में ज़रूर देखा होगा। ये चर्च है, ये कंप्लीट जो बनके हुआ था सबसे पहले 1541 में कंप्लीट हुआ था, ये बनके बहुत ही खूबसूरत है। चले चलते हैं अंदर, और इस चर्च को 1609 में दोबारा से फिर रिकंस्ट्रक्ट, मतलब इसको बनाया गया था, जो ये ग्रैंड जो अभी है ये 1609 की बनी हुई बिल्डिंग है ये वाली, और इसकी जो बेल है जो आपको बेल टावर पर दिख रही है ऊपर, वो तो वो यहाँ ओल्ड गोवा में थी, वहाँ से ला के यहाँ पर इंस्टॉल करी गई है। जो बेल है ये सेकंड लार्जेस्ट है पूरे गोवा के जितने भी चर्चेज हैं उनमें सेकंड लार्जेस्ट बेल है। तो इस चर्च पे हम चलते हैं ऊपर, एक डॉगी आ गया सुबह सुबह यहाँ। अच्छा, इधर से बंद है। अच्छा, ऊपर जाने की एंट्री बंद है, तो इस टाइम जो ये चर्च है ये बंद है, और यहाँ से जो सामने स्ट्रीट का व्यू आता है बड़ा ही अच्छा है ये। तो जब आप इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च में आएंगे तो इसके पास में ही कई अच्छे खाने के ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक है कामत और एक है कैफ़े भोसले। तो जो ये चर्च है इसके सामने वाली रोड जो आपको दिख रही है, इस पर ही आगे थोड़ा सा चलेंगे, मेरे ख्याल से आपको सिर्फ 100 मीटर के करीब चलना पड़ेगा एंड आप कामत पे पहुंच जाएंगे। तो ये है, तो अभी चालू है, आप देख लीजिए भीड़ कितनी जा रही है इसमें, काफ़ी अच्छा है ये, मतलब ये साउथ इंडियन फूड खाने के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। और एक अभी दिखाता हूँ आपको, एक कैफ़े भोसले भी है। एक्चुअल में हम ब्रेकफास्ट इसी पे करते, लेकिन हमारा रीज़न ये है कि ब्रेकफास्ट ना करने का, क्योंकि हमारा जो ब्रेकफास्ट है हमारे रूम के अंदर इंक्लूडिंग है, तो हम वहाँ पर होटल में जाके अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ये हम पहुँच गए कैफ़े भोसले में, और काफ़ी सुबह सुबह के टाइम भी देखिए यहाँ पे कितनी सारी स्कूटी लगी हुई है, तो ये लोकलाइट्स में काफ़ी पॉपुलर है। तो आप यहाँ पे पंजिम साइड में आए तो यहाँ पे एक बार कैफ़े भोसले में ब्रेकफास्ट लंच डिनर या कुछ भी एक बार करके जाएं, काफ़ी अच्छा है ये। हाँ, जितना भी क्राउड बैठा है ये मेजॉरिटी क्राउड लोकल है, और कहीं पर भी अगर लोकल क्राउड होता है दैट मीन्स के वो जगह बहुत ज़्यादा फेमस है जहाँ पे लोकल क्राउड की भीड़ होगी। तो हमने यहाँ कैफ़े भोसले में मंगाई है टी, चाय की चुस्की लेते ही मज़ा आ गया। 9 बज गए थे, अब तक सुबह से कुछ नहीं खाया तो एनर्जी आ गई चाय पी के। और यहाँ की पूरी भाजी जो है वो बेस्ट है, तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो पूरी भाजी ज़रूर ट्राई करना। तो ये अभी हमने यहाँ पे लिया स्वीट बन, हमें भैया ने इनसे करा, वैसे हम तो सिर्फ चाय पी रहे थे तो उन्होंने बोला आप एक बार स्वीट बन ट्राई करो, तो ये मंगाया हमने। तो चाय में डिप करके ऐसे यहाँ पे लोकल लोग खाते हैं, बन है बेसिकली, ऑसम, बड़ी डिफरेंट चीज़ है। मैं पहली बार अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ खा रहा हूँ, और मैं आपको बार बार यही कह रहा था कि जो कैफे भोसले है वो डिफरेंट है, और इसमें एक लोकल टच है खाने में। तो आप यहाँ पे आके पूरी भाजी, ये स्वीट बन, चाय, और चाय मात्र 10 रुपये की है, प्राइजेस इनके हद के सस्ते हैं, काफ़ी स्वाद है। सो हम फाउंटेनाज एंड चर्च, पंजिम चर्च को कवर करके आ गए हैं, और आपको सारी चीज़ डिटेल में दिखा दी है। मैं एक चीज़ और बताना चाहता था, जो हमारा ये होटल है द वाइट बालकाओ, इसका मीनिंग, बालकाओ का मीनिंग अभी मुझे पता लगा, बालकाओ मीन्स ये वरांदा, जो गोवन घरों में जैसे जो ये वरांदा होता है ऐसे ये फ्रंट में
उसको बालकाओ कहते हैं। दिस दिस वराना काफ़ी अच्छा होटल है। हम अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ से हम चेकआउट करेंगे। गोवन ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है एंड दिस ऑमलेट पाव एक ऑर्डर करा है। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, अभी मेरा आया है। किरण ने दूसरा ऑमलेट और वो करा है टोस्ट। तो ये गोवन ब्रेकफास्ट है, सजा के कितना अच्छा दिया हुआ है इन्होंने, देख के दिल खुश हो गया। क्वालिटी फूड है, फ्रेश टेस्टी, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से सजाने का जो तरीका होता है उसको, उससे भी फूड की एक एनहेंसमेंट होती है ज़्यादा। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। और मैंने कॉफ़ी मंगाई, कॉफ़ी इन्होंने ब्लैक पी है और विद दिया है मिल्क अलग से। तो पहले मैं मिल्क डाल लेता हूँ अपनी कॉफ़ी में। टू गुड, जो कॉफ़ी होनी चाहिए वो रियल कॉफ़ी वो बना के दी इन्होंने, वो वाली नहीं कि वो दूध गर्म करो उसमें कॉफ़ी डाल दिए, नहीं अच्छी वाली कॉफ़ी बनाई है कैपुचिनो। तो जिस हिसाब से हमने रूम लिया 2200 रुपीज़ में इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, मैं कहूँगा मोर देन वैल्यू फॉर मनी है। ये क्या चीज़ है ये? बन? हाँ, नहीं, अच्छा दिस इज़ स्वीट बन। ओके ओके, अच्छा तो ये वही बन है जो अभी हमने कैफे भोसले में खाया था। ओके, ये ऑथेंटिक गोवन फूड है और ये किरण का ब्रेकफास्ट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिनकी प्रेजेंटेशन ही है ना, आधा दिन तो वही खुश कर देती है। और देखने से पता लग रहा है कितना हेल्दी ब्रेकफास्ट है, कितना अच्छा है। चलो अब हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और बाद में फिर अपना सफ़र करते हैं जारी।